अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मंडी संसदीय क्षेत्र से सीपीआईएम के उम्मीदवार दलीप कायस ने नामांकन भरा। नामांकन भरने के बाद सीपीआईएम ने सेरी मंच पर एक जनसभा को संबोधित किया और भाजपा व कांग्रेस पर जमकर बरसे। बड़ी शर्म की बात है, अरे सीएम साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी थाची के अंदर गए, थाची के अंदर पट्टीधार में 7 दिन के बाद पानी आता है। अगर सड़क की बात करेंगे, सड़क तो मैं गारंटी के साथ पूरी चुनौती देता हूं सरकार के नुमाइंदे को कि एक भी सड़क मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, उसमें चंबा भी शामिल कर लो, एक भी सड़क ऐसी मिलेगी जहां पे खड्डे नहीं होंगे। आगे क्या होगा ये देश करेंगे, इस देश की युवान क्या करेगी, और मैं समझता हूं, मुझे आत्मविश्वास है, और ये जो पिछले 5 साल का तजर्बा रहा है उसे मैं मानता हूं कि तस्वीर बदलेगी, कितनी बदलेगी ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो दिल्ली की गद्दी में बैठे हैं इनको देश की जनता वनवास करने वाली है, वनवास भेजने वाली है ये देश। इस दौरान सीपीआईएम के नेता और पूर्व सांसद सुभाषिनी अली सहगल, विधायक राकेश सिन्हा विशेष रूप से उपस्थित रहे। मंडी से न्यूज के लिए सीमा शर्मा की रिपोर्ट।